रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरा भाई, उम्मीद करना ठीक ठाक हो। सो जिते रहो, हंसते ते मुस्कुराते रहो, साड़ियाँ दो दो ना, अल्लाह पाक तुम खुश रखे, अल्लाह पाक किसी चीज़ दिन तोड़ दे, अल्लाह पाक तुहाडे कारोबार बरकत पावे, जेड़े बीमार अल्लाह पाक उन्होंने शफा अता फरमावे, जेड़े को औलाद नहीं अल्लाह पाक उन्होंने औलाद देवे, अल्लाह हर दा भला करे, हर दी खैर करे। और अल्लाह ने याद करके आज का ब्लॉग तो करते पे जी आकाश, सुबह सुबह अल्लाह मुहम्मद नाम ले आएगा, अल्लाह ने याद करके सोने मालिक नु याद करके और शॉप खोलिएगी, अल्लाह पाक रोजी देवेगा मेरा परवरदिगार आलम। और आज जाना सी मंडी, मंडी नहीं गया है क्योंकि तबीयत काफ़ी सारी ना मेरी खराब है, किसी गला भी खराब है तो पिंडे बच्चे भी ना काफ़ी दर्द है, क्यों कल मिस्त्री भाई और ना काफ़ी सारा ना काम करना पे, ना कमरा मुकम्मल होया है क्योंकि काफ़ी दिन का ना ये दो तीन दिन का काम है कि हिके दिन बेचना कल खत्म भाई कर गए गए। और अज ना रमज़ान सुबह पहला रोज़ा है तो सुबह इंशाल्लाह ताला समान भी लेवांगे और सारा कुछ ना आस्ता आस्ता ना इत्मीनान पूरियां कर रहे हैं, खजूरत है और कुछ ना होर जामे श्री लेवांगे, काफ़ी चीज़ असल तो सब तो पहले फ्रीज़र हो गया, फ्रीज़र नाल ना काम सरना है, कोई नहीं अल्लाह पाक हिम्मत देता आस्ता आस्ता अपना फ्रीज़र भी लेवांगे। तो और सारा कड़ा है ना सौदे न छड़ने, बिस्कट वगैरह लैन देन इतने ना जोड़ने इकट्ठे करके सारे ना सैडा वगैरह करने क्योंकि ना काफ़ी सारे ना शुक्र अलहमदुल्ला सेल होंगे है इस जगह पर ना आपो आप अलग अलग करके ना क्वालिटियाँ कड़ी जोड़ने क्योंकि कि भाई फिर ना जरूरत हो इतों ना आपे ना चक लेंदा है क्योंकि इतने ना माशाल्लाह लगते ही बड़े खूबसूरत हैं, फिर ना सारे शुक्र अलहमदुल्ला अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने भी ना सेल हो जाते हैं। और बेगम साहबा भी अपने घर की सफाई कर रही है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह की बरकत ना असं अपने घर जावे। और अज काम भी काफ़ी सारा तबीयत खराब हैगी करने सारे क्योंकि तंदूरों की कड़ी मुंज हैगी भी खत्म हुई थी, वह भी चल के ना बेगम साहबा कह रही थी कुछ थोड़ी जी ना किधर मिलती है तो तुम ना लैके आओ। हाँ बच्चे अच्छा अद्धा किलो खंड क्योंकि असं पिंड थावान ना चीनी नू खंड ही सदने हैं, और काफ़ी सारे अज ना तंदूरों को पोचा भी मारना है तो और भी कोई काम है काफ़ी सारे अज ना सारे ही करने है, पर तबीयत भी खराब हैगी, अल्लाह पाक आस्ता आस्ता हिम्मत देगा। हाँ जी, तो मैं आ गया जी उत्ते छत उत्ते क्योंकि बेगम साहबा ने किया है भी लकड़ा ना खत्म हो गई है, तो थले कुछ ना थोड़िया जी तू ना कुछ सुट दो थले और इतों चकने लकड़ा और थले कुछ सुटने थोड़िया जी बेना उत्ते ना बालन दियाँ कि कितनिया कि बस साढ़े को लकड़ा भी खत्म हो गई माशाल्लाह, काफ़ी दिन ना लकड़ा मैं कढ़िया है, बहुत दिन कढ़िया है लकड़ा ने, बस इतनी काफ़ी है क्योंकि ज़्यादा सटांगे तो ज़्यादा बल जाएंगे, थोड़िया जी रह गई है और कुछ ना से मुल ले लवेंगे किसी भाई को। और शुक्र अलहमदुल्ला अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने भी काफ़ी दिन लकड़ा भी कढ़िया और जो छोटे छोटे कंडे है वो भी काफ़ी दिन ना चल गए है, तो और ये भी बस ना हूँ तकरीबन पाँच सात दिन और तगन गए या दस दिन क्योंकि थोड़िया जी रह गई है। हाँ जी, तो बेगम साहबा ने लकड़ा भी लाती है और बेगम साहबा ने अग भी बाल ली है और परी भी नाल नाश्ता नुश्ता कर रही, मोटरसाइकिल अंदरों कढ़िया है क्योंकि ना एक कमरे दे। हाँ जी, हेलो ये अंडा है तो बच्चों दे दो, मैनू थोड़ा जि दे दौ, नाश्ता हो रहा है जी साडा तैयार। हाँ जी हाँ जी, मिस्त्री भाई और मैं लैन लग पी, चलो सट दो तुम हम मौसम चेंज हो गए हूँ ना, रात का सालन फ्रीजर हो उन्दे ना रह सकता नहीं तो उंज ना खराब ही होना है, तुम रात का सालन रखे ही ना करो। हाँ डोल जाएगा पत्थर पा दे, और जिन्हें भाइयों बने नाश्ता करना जी बिस्मिल्लाह कर सकते ना आके साढ़े को, तो बारिश भी बहुत मौसम खराब है, कणिया वगैरह थोड़िया थोड़िया आ रही है और एक साइड तो दिन भी माशाल्लाह निकलिया है कि थोड़ा जहा बदल के पीछे निकलता है और मौसम तो काफ़ी ज़्यादा खराब है, बारिश आवन के भी चैनस है और कमरा भी भाई और मुकम्मल कर दिता सी और मेरे को ना बाहर रेत रह गई गी और रेत भी ना अंदर सुटनी हैगी ना कि कमरा है ना दूसरा स्टोर दे ना स्टोर रूम केड़ा है ना स्टोर रूम केड़ा है उनके ना रेत सट्टा की दिल हैगी उनके ना जाया नहीं होगी क्योंकि इधर सब तो पहले तो इधर कमरा उसारना है ना उस तो पहले
ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰੀ ਰੇਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੁੰਗਰ ਵੀ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁੰਗਰ ਫੇਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੰਦੂਰ ਕੱਜਣੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸੱਤ ਤੰਦੂਰੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਰੇਤ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਣੀ ਹੈਗੀ, ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸੈੱਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਲਾ ਨਾ ਤੰਦੂਰ ਵੀ ਕੱਜਣੇ ਹੈਗੇ, ਮੌਸਮ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੰਦੂਰ ਕੱਜ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੁੱਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਲੈਣੀ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਾ ਅੱਲਨ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਬੀਅਤ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸ਼ੁਕਰ ਇਹ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਨਾ ਇਕੱਠਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਡ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੇਲੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਪ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ, ਨਾਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠਾ ਠੋਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਟਮ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਅਜੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਈ ਨਾ ਠੰਡੀ ਬੋਤਲ ਚਾਹੀਦੀ ਠੰਡੀ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਰੀਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਹਰ ਹਾਲਾਤ 'ਚ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਰੇਤ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਬਰਾਰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਬਰਾਰ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਨਾ ਰਲ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਡੋ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਧਰਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰ ਮੁੰਗਰ ਵੀ ਫੇਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਸਤੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਸਿੱਟ ਲਵਾਂਗੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਸੱਟਣਾ ਹੈਗਾ ਰੇਤ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਖਿਲਾਰੀ ਰੱਖਦੇ, ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਉਵੇਂ ਨਾ ਮਿਸਤਰੀ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਨੇ ਫੱਟੇ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਗਾਡਰ ਸਾਰੇ ਨਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਟੋਟਲ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਛਿੜੇ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਨਾ ਪਲੇਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੇਤ ਸੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖਰਾਬ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਨਾ ਵੀ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੜਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪਲਸਤਰ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ, 6 ਤੋਂ 7 ਬੋਰੀਆਂ 7 ਅੱਗੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ 8ਵੀਂ ਬੋਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਔਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਨਾ ਅੰਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ 8 ਬੋਰੀਆਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੱਥਰ ਲਾ ਲਓ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਫਰਸ਼ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਧੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੋਰੀਆਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਚੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਟੋੜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆ ਬਾਈ ਦੀ ਮਿਸਤਰੀ ਬਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਔਰ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਥੱਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਥੋਕੀ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਵੀ 18-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕੱਪੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋਊਗੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਨਾ ਸੀਮਿੰਟ ਨਾ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈਗੀ, ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ
पत्थर का इंतजाम करने आस्ता आस्ता थोड़ा जहा ठहर के ना थोड़े तंदूर च पैसे जमा करने और कुछ थोड़े जी सब्जी के बचत ना करने उनके ना आप सारा ये काम चला लवेंगे। मैं तुम्हें यही कह दिता है सब तो पहले अपन अपना आया वाला कमरा उसारने क्योंकि इटा इतनी पुश थोड़िया जी इटा होर ले आना तो कि ना आया ना काम चल गया और नज़ला जुकाम भी होया कुत्ता काफ़ी सारे ना तबीयत एक शहर चुना उ दवाई लेके आवागा तो और दूसरा कि ना यहाँ ना कोई इटा भाई का को ना पता कर कितने पैसे है ना अल्लाह पाक उन्होंने जिंदगी करे और उन्होंने कारोबार बरकता पाए जी अल्लाह पाक के बंद ने साड़ी हेल्प की उन माशाला काफ़ी सारा अस सीमेंट भी बनाई हैगी और प्लस्तर भी किया है और छत भी पा ली हैगी और यह आला ना असी इंशाला तला नाल अगला कमरे में भी इंशाला तला बरकत ना शुरू हो जावे। मिस्त्री भाई के भी थोड़े तीन अठ दिन पाँच सत्त दिन या अठ एक दिन उदे लग जाने है उतों तक मैं महीना अपना वेला हो जाना और हूँ कर लें जी ए आली सफाई देखो सफाई करें बरार भाई भी आवन आला तो काम जल्दी जल्दी निबड़ जाएगा। हाँ जी हाँ जी तो कड़ा है सफाई कर दी है टोटली इस सैड तो और इबरार भाई भी आ गया है तो हूँ ना बस रल के रेत सुट लें तो उस तो बाद ना मैं इबरार भाई सुटता रहेगा रेत थोड़ी गनी तो मैं चल के ना लै आना मुंज क्योंकि मुंज भी साढ़े को खत्म हुई थी बिल्कुल ही ता करके वह भी साढ़े को जरूरी और इबरार भाई यह जुगाड़ ला रहे थले ठीक है भी जाया नहीं होगी जी पढ़दा बना तू तो भाई बड़ी सियानी बच्ची है बेहतरी की जगह तो रखी जानी उत्थे कोल को छापर छुपर ला दें तो ठीक है चक लो तो पढ़दा वा ना पढ़िया कर सोना बच्चा जो है। हाँ जी तो मैं आ गया सी बहर और मुंज लैन वास्ते मुंज कड़ी हैगी ना मैं लै ली पर मिली थोड़ी हैगी तीन चार गारना मैं गुमे है कि भाई और मशीन है सी ना मुंज वाली पर उदू ना थोड़ी जी मिली कोई ना होर चक के लै गया है बस इतनी की काफ़ी सारे कुछ ना तंदूर काफ़ी सारे अंदर बन जाएंगे और बारिश भी हल्की हल्की ना हो रही हैगी क्योंकि बदल बहुत सारे चार सफेरे ना बदल ही बदल बन गए है चार सफेरे बदल ही बदल और माशाल्लाह हरियाली बड़ी प्यारी प्यारी हैगी मैं बिल्कुल पिंड दे विच ना खड़ा है बहुत सारा ना मौसम प्यारा है और गंदा मी ना हो सीटियाँ कड़ी खड़ी हैगी गंदम माशाल्लाह बस एवें चंद दिना तुकना पंद्रह दिन तुकना फुल बिल्कुल ना पंद्रह वीह दे पक जाएगी और नहीं गंदम आ जाएगी बिल्कुल ही एलियाँ फुल तैयार हैगियाँ तोड़ तो गंदम ही गंदम बीजी हुई है कितना तक निगे मारोगे ना बड़ी प्यारी हूँ क्योंकि ना बिच ना दाना सिटी दे पैन शुरू हो गया है और चलने हूँ अल्लाह ने याद करके घर न तो चल के काफ़ी सारे काम है ना घर चल के करने बारिश भी काफ़ी पै रही हैगी और किड़े कितने के ना पैसे मेरे अंकल जी ने एक ने भेजे से अल्लाह पाक उन्होंने जिंदगी करे और वो वालिया ना इटा तो इतने भाई ने देते है कितनी गुंजाइश हैगी सी और इटा कि ना भाई कह रहा है मैं ना सटा देवगा पट्ठे तो आया सी इटा हूँ ना चलने घर क्योंकि कनिया काफ़ी सारिया ना डिग रही है हल्की हल्की एडी एडिया कनिया ना पै रही है और मुंज भी ना लैगी तो चल के दस्ती ना तंदूर भी कजने चल के और इटा वाला भाई ने कह दिता है मैं ना फेरा लदा के तो बेच देवगा। हाँ जी तो घर मैं पहुँचाया और मुंज लैके और इतने तकनिया नहीं है उस सैड तो तकनिया काफ़ी पै रही सी और कबूतरों भी कढ़ दिता है बाहर क्योंकि वह भी दाना पानी ना चुग लवें तो ला के रखने तो फिर इन्होंने कुतर लवेंगे हूँ करने इबरार भाई की हेल्प कुछ नाल ना अगे काफ़ी सारी कुछ रेत डुआ के गया तो और कुछ ना हूँ डुआ। हाँ जी तो इटा साड़ियाँ भी बाई लैके आ गया ट्राली से और इतने ना रेत बरार भाई पर कर रहे हैं तो इतने नाल ना वो सटा लें इतने बैक करके अं तो ही लानी क्योंकि ना पहले सब तो पहले ये उद्दे परल गुआढ़ियों चक रहे हैं रेत तो इतने अपने इलाके आ जाएगी। हाँ जी तो बैग के नहीं ना ट्राली बाई ने ट्राली तो और ना इतने लवान लगे भी इतने ना चुका के सुखियाई हो जाएगी पिछे ठीक है दुध लै अली दुध लै क्या पैसे उन्होंने दे ली सा फिर आस्ता आस्ता ना थले ला रहेगा भाई या बिस्मिल्लाह इट बहुत अच्छी है इबरार इट बड़ी चंगी आई इसकी भाई
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿੱਟਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਲੈ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਵਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਕ ਮਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਗਿਆ ਜਾਵਣ ਬਸ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਥੋੜੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਪਰਾਂ ਜਾਵਣ ਦੇ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬਸ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਨਾ ਜਾਵਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਬਲਾਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਚੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਟ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਕ ਲਈਏ ਉਤਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਇਤਨੀ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਲੀਆਂ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਸ ਐਸ ਜੀ ਔਰ ਰੇਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਬਰਾਰ ਕਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇ ਇਬਰਾਰ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਪੋਸਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਰੇਤ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਛੋਟੀ ਇਬਰਾਰ ਪਾਈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੁੱਟਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਚੜਾਵਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇਬਰਾਰ ਪਾਈ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਰਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਇਬਰਾਰ ਪਾਈ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਰੀ ਸਾਰੀ ਨਾ ਰੇਤ ਨਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਹੁਣ ਫੱਟਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਲਵਾਂਗੇ ਬਈ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਟਾਂ ਨਾ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵਿੰਡੋ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਨਾ ਲਾਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗੀ ਔਰ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸੋ ਜਾਂਬੜਾ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਿ ਬਾਂਸ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਸੋ ਬਿਨਾ ਗਿੱਲੇ ਹੈਗੇ ਸੁੱਕ ਜਾਵਣਗੇ ਔਰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੂਟ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਦੋ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਮਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਾਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 'ਚ ਨਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਉਸਾਰਾਂਗੇ ਰੇਤ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਮਸੈਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਦਲ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਅਸਾਂ ਖਾ ਲਈ ਬਰਾਰ ਭਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਔਰ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਚਾਹ ਔਰ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਦਲ ਨਾ ਚਾੜਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਔਰ ਛਾਪਰ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਠੰਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਚਾਹ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਕਨੋ ਪਰਲੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਰੋੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਖੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ ਦਿਪ ਗਿਆ ਚਲੋ ਦੇ ਲਓ ਬਸ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੇ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗੜ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਤੰਦੂਰੀਆਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਔਰ ਰੇਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਟਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਟਣੀਆਂ ਬਸ ਗੈਂਟਾ ਦੋ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸੁੱਟ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੇਤ ਹੈਗੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਣਾ ਬਾਅਦ ਇਹ 'ਚ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਨਾ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਾ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਨਾ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੰਨੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਪਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈੱਡ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਨਾ ਇਤਰੇ ਇਤਰੇ ਬਣੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਛਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਪਾਈਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਛਾਪਰ ਵਗੈਰਾ ਇੰਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਪਾਣੀ ਇੰਝ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਧੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਨਾਂਦੇ ਪੈ ਗਏ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਪਰ ਉਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਧੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਔਰ ਬਸ ਇੱਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰੇਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਲਈ ਸੀ ਇੱਟਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਦੋ ਲੱਗਣੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਭਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਬਰਾਰ ਬਾਈ ਨਾ ਸੁੱਟ ਲਵਣਗੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਛਾਪਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਛਾਪਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈਗੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛਾਪਰਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਹੀ ਨਾ ਰੁਕੀ ਹੈਗੀ
तो हूँ असी ने अपना काम कि शुरू कर दें पानी और इस साइड पर भी है। इबरार भाई ने दो रेहड़ियाँ पार दित्तियां है और शॉप भी चलानी है, इतना भी काम मुकम्मल करना है। बस हूँ एक घंटा डेढ़ ही लगना है मुकम्मल सारिया इटा चक के ना सुट देनी इन शाला तला, तो फिर शॉप भी चलानी होंगी हैगी, उदला भी काम मुकम्मल तो इतला ही, तो करके ये वाला भी काम करना है। सारा काम ना दोनों ही ना करना होता है। चलो बाहर तो बाहर केड़ा है ना, शॉप भी चला लेना इधला भी कर लेना। बस थोड़िया थोड़िया ला दो और कर के चलो, जितने जोगा हेल्प कर रहे हैं इदू मैं भी कर रहा तो और कुछ ना जड़िया इन्होंने मैं भर के दे रहा क्योंकि ना मेरे को ना चक्या नहीं जाती है क्योंकि काफ़ी वजह जोर ना चखिंदा तो तबीयत मेरी ना खराब हैगी और कबूतर भी फिरते बंदे है तो मौसम ना जी तो ना उमें दुवे ही है हाँ काफ़ी खराब है। काफ़ी कोशिश तो जल्दी जल्दी ना कर रहे हैं क्योंकि फिर ना थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ना बार पै रही हैगी, बारिश मौसम ना चेंज हो गया फिर, क्योंकि बारिश तो पहले पहले ना असी ढोल लवी, कोशिश तो यही हैगी जल्दी तो जल्दी ना भर के दे रहे हैं। इबरार भाई भी काफ़ी ना कॉल कर रहे भी इन्हें सुखता पे अंदर क्योंकि ना फिर कच्चे फरश है ना थले कच्चा भी किधर ना स्लिप ना मार जाए। हाँ जी तो जरा ना मैं आख्या जा अज ना बारिश हो रही थे जरा ना असं सेवियां बच्चिया ने आख्या भी सू सेवियां बना के दो अच्छा सी जरा ना मैं आख्या चल जड़ियाँ सेवियां बना लें दोबारा शेरड़ी इन्ना रुखा का ना ही नहीं लेंद सुबह की शुरू हुई और कुछ पानी इधर खिला जरा इधर तो खिला चूल्हे की साइड तो सारा मार झाड़ू मार के काट दिता वो मोड़ उन्ना पानी हो गया मैं आख्या चल सेवियां पका के दे दी। हाँ जी तो बेगम साहबा भी अज ना सर्दी के बच्चे उतुकनिया पै रही हल्कियां हल्कि ना क्योंकि ठंड बन गई है। हाँ जी चलो बेहतर है सेवियां पका लिया हाँ बेहतर है और गरीब भी पा दी जी कबूतर दाने पाए ने बड़ा भी सियाना बच्चा और थोड़े जे पा छ थोड़े जे कबूतर और दाने और परी केड़ी है ना कबूतर ना दाना पानी पा रहे थोड़े जे हम इशारे चार चढ़ते। हाँ जी तो असी आ गए जी घर और बेगम साहबा भी आ गई गई अपने घर तो और कुछ इट्टा ना इस साइड सटा रहे हैं और कुछ ना इस साइड से ना कि है ना कुछ ना इन बेच ना सट रहे हैं क्योंकि अगे भी काफ़ी सारी पई और कुछ ये है और रेत तो मुकम्मल पाती इतने क्योंकि गाडर के उत्ते ना सीधी सामी ना सुटते रहे इतने ना अंदर ना हूँ कवर हुई पी इतों चकेंगे तो इतें ही ना लावे और ठीक हो गया। सफाई नहीं ठीक हुई कितों नहीं हुई थल्यो कर फिर टीप औखा होंगे है थोड़ा थोड़ा ही है और बस इतों ही थोड़ा जहा ब्रश ना रह गया है ना क्योंकि ना ये वाली ना रेत उत्तू चाड़नी सी वो कोई नहीं आप झाड़ू ही लाता ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और पंखा भी असी लगावांगे अल्लाह पाक दे बंदे बहुत अच्छे है अल्लाह पाक उन्हां दी जिंदगी करे क्योंकि बेगम साहबा तक काफ़ी मैनू क्योंकि सुबह ही जिक्र किया भाई ना थले ना पत्थर ला दिए तो हाँ हाँ खूबसूरत लगेगा फिर ना कपड़ा मार के हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं अल्लाह पाक आस्ता आस्ता हिम्मत देवेगा तो करा लवेंगे अजीत सब तो पहले ना आप अपने घर आवेंगे और दरवाजे ही लावेंगे और इनू ही ना एक न केड़ा है ना इनू विंडो लावे बड़ी ही प्यारी शहरी माहौल अल्लाह पाक के बंद ने बहुत साड़ी हेल्प की माशाल्लाह अल्लाह पाक उन्होंने जिंदगी करे और साढ़े ना माशाल्लाह साढ़े घर वास्ते बहुत कुछ सोचे इनू ही एक विंडो लानी हैगी और इतने एक ना काफ़ी वीडी सारी ना इतने लग के और इतना तो ना काफ़ी वीडी ना शीशे वाली ना विंडो लावे इंशाल्लाह ताला अल्लाह की बरकत ना काम ना हूँ शुरू होने लगा है बस जी तरीके ना गुंजाइश हैगी इटा लैन दी है बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ अल्लाह पाक उन्होंने जिंदगी करे और
और अल्लाह पाक उन्होंने पोतियां पोतिया अल्लाह पाक जिंदगी देवे और उन्होंने कारोबार लखों के करोड़ों के हिसाब न बरकत पाए। मेरा सोना मालिक हर वक्त अल्लाह पाक उन्होंने खुश रखे। असी तो हर वक्त भाइया बहनों दुआई याद रखने। मेरी सिस्टर की एक ना दोतरी हैगी उनके पैरों से ना थोड़ी जी कुछ ना कोई बन गया है या एक अफेक्शन हैगा। अल्लाह पाक उन्होंने ठीक करे। मेरा सोना मालिक की जात और भाइय बहन अगू सारे गुरकैस्ट हैगी उनके वास्ते दुआ करनी हैगी। अल्लाह पाक उनकी पोतरी ठीक रखे और अल्लाह सारे ते अल्लाह पाक अपनी रहमत करे। असी तो हर वक्त दुआई याद रखने और रखते रहेंगे और क्योंकि उस परी एक जिडी ना उनकी भी हैगी बच्ची हैगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी आमीन क्योंकि ना। हाँ जी हाँ जी क्योंकि अगर जी बिल्कुल अगू माशाल्लाह रमज़ान का महीना आ गया। माशाल्लाह बहुत ही बड़ा नेक महीना है। अल्लाह पाक असी तो हर वक्त दुआई करने और रमज़ान के भी दुआई करांगे। माशाल्लाह मेरी सिस्टर एक फरीदा हैगी अल्लाह पाक उन्हों की जिंदगी करे और आबिद उनका उनके घर वाले का नाम है। अल्लाह पाक उन्होंने हर वक्त अल्लाह पाक रहमत करे। मेरा सोना मालिक हर वक्त अल्लाह पाक उन्होंने अपनी रहमत करे और उन्होंने कारोबार लखों के करोड़ों के हिसाब न बरकत पावे। मेरा मालिक उन्होंने सारे बहन भरावान अल्लाह पाक खुश रखे और उन्होंने माँ प्यो न अल्लाह पाक खुश रखे। मेरा सोना मालिक हर वक्त उन्होंने तंदुरुस्तियाँ दुख तकलीफ तो अल्लाह पाक मेरा बचावे और हर वक्त असी तो बहन भाइयों सारे दुआई याद रखने। अल्लाह पाक हर वक्त सारे बहन भाइयों पर अपनी रहमत करे और उन्होंने पोतिया पोतिया अल्लाह पाक हर वक्त खुश रखे और अच्छी तो अच्छी नौकरियाँ लै दे। मेरा अंकल जी है अल्लाह पाक उनकी जिंदगी करे क्योंकि बहुत अच्छा है सर। वो मेरे वास्ते साढ़े कमरे वास्ते जितनी कि उनके को हेल्प होंगी सी माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्र गुजार है उनका। अल्लाह पाक उनकी जिंदगी करे कि साढ़े वास्ते उसने कर दिता है इतना कुछ। बहुत बहुत शुक्र गुजार है। और मेरी सिस्टर एक है बहुत मेहरबानी क्योंकि बेगम सभा वास्ते उसने मशीन लैके भेजिया है। मेरे वास्ते चेयर उसने ना कि शॉप है उसने वो दी है और साड़ी माशाल्लाह हेल्प भी उस बहुत की। अल्लाह पाक उन्होंने सेहत देवे। मेरा परवरदिगार अल्लाह पाक उन्होंने हर वक्त रहमत करे और काफ़ी सारिया सिस्टर है बाहरले मुल्क ने अल्लाह पाक उन्होंने जिंदगी करे और उन्होंने हर वक्त अल्लाह पाक रहमत करे। तो साड़ी वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट जरूर करना है। तो अज के व्लॉग में इजाजत चाहते हैं। गलत बोल गए माजरा चाहते हैं भाइया बहन को कमेंट करके जरूर दस्ता करो। हाँ जी क्योंकि एक बाई का ना एक बाई का कमेंट आया बल्कि चेता आ गया क्योंकि मैं ना कल के परसों का आया बी ए विंडो एक रख लेनी सी भाई बिल्कुल तुहाडी गल बजा गई पर इतने विंडो ना सानू नज़र नहीं आती भी कित्थे करके रखनी सी क्योंकि इतने दरवाज़ा आ जाना है तो यह ही परला किहड़ा है ना यह भी कमरा बन जाना है समझो तो इतने बेच अंदर कमरे से विंडो नहीं आ सकती है। हाँ जी तो इतने बिल्कुल मेरी सिस्टर ने बहुत अच्छा मशवरा दिता अल्लाह पाक उनकी जिंदगी करे और उन्होंने अल्लाह पाक हर वक्त रहमत करे क्योंकि उस इस कमरे में भी विंडो लवानी हैगी और इस कमरे में भी ऐसा विंडो लवानी हैगी तो दोनों कमरे में दरवाज़ा इस दरवाज़ा लग जाएगा तो इस दरवाज़ा लग तो आज के व्लॉग में लेने इजाजत अल्लाह हाफिज़।